बात हम करेंगे पंचकुला की, जहां पर सीएम मनोहर लाल माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने गए थे और अब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रखे हैं। क्या कुछ कह रखे हैं वो सुनिए। इसलिए महत्व है कि जो हमारा व्यापार था इस देश का, वो मथुरा में या तो उसका केंद्र माना जाता था या तक्षशिला में केंद्र माना जाता था। मथुरा से तक्षशिला, तक्षशिला से मथुरा, ये जब व्यापारी आते जाते थे उस समय के साधन आज कितना नहीं थे, पैदलों के साधन, घोड़े के साधन, बैलगाड़ियों के साधन, ये सब हुआ करते थे। तो जो बड़ा मेजर पड़ाव था वो अग्रोहा धाम, जो आज जिसका नाम उस समय ऐसा बताते हैं कि उसका नाम था अग्रदोता, अग्रदोता नाम से ये स्थान उस समय प्रसिद्ध था। तो इसका जो खुदाई का काम है, क्योंकि हर एक ऐतिहासिक स्थल जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के माध्यम से उसका किया जाता है, बीच में इसका राखीगढ़ी की तर्ज के ऊपर इसका खुदाई का काम भी शुरू हुआ, लेकिन वो शुरू होने के बाद कुछ समय के बाद वो बंद हो गया। लेकिन अब फिर से हमने केंद्र सरकार को, जो पुरातत्व विभाग है उनको पत्र लिखा, हमारे विभाग ने भी पत्राचार किया, और मुझे खुशी है कि हमारे उस पत्र के लिखने के बाद अब केंद्र सरकार का जो हमें दो दिन पहले ही एक हमें परमिशन मिली है, एक्सकेवेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ सेंट्रल प्रोटेक्टेड साइट अग्रोहा डिस्ट्रिक्ट हिसार, तो अभी 13 तारीख का लिखा हुआ पत्र, और हमें आज कितनी है 15 लिखने परसों ही जारी हुआ, कलम को मिला है, और हमने कहा कि समाचार है, हम सारी जनता को, सारे देश को आपके माध्यम से बताना चाहेंगे। इसीलिए और संयोग से पहला नवरात्रा है, पहले नवरात्रे के अवसर पर इस प्रकार का एक बहुत जो खुशी का एक जिसको कहना चाहिए महत्व का एक जो एक काम हुआ है जयंती के समय जयंती आज अग्रसेन जयंती, महाराजा अग्रसेन जी की जयंती का दिन है, और ये दिन इस मायने में बहुत शुभ है। और वैसे भी हमने उस पूरे क्षेत्र को विकसित करने की दृष्टि से पहले ही हमारे मन में कई विचार, खास करके अग्रवाल समाज की ओर से कई सुझाव आए, उसको आगे बढ़ाने के लिए हमने पहले से योजना बना रखी है। आपको पता है कि हिसार का जो एयरपोर्ट है, उस एयरपोर्ट का नाम भी हमने महाराजा अग्रसेन एयरपोर्ट रखा था, ताकि वो जो क्षेत्र है उस क्षेत्र को आगे चल करके पूरे देश और दुनिया के अग्रवाल समाज का एक केंद्र, एक आर्थिक आस्था का स्थान, एक टूरिज्म का भी स्थान वो विकसित हो। हरियाणा वैसे तो ये माना जाता है कि पुरातत्व की दृष्टि से एक भले छोटा राज्य है, लेकिन जितनी पुरातत्व से जुड़ी हुई साइट्स हैं वो हरियाणा में, अगर मैं कहूँ किसी प्रदेश के हिसाब से, तो सर्वाधिक है। 100 से ज़्यादा साइट्स तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उसको, यानी अपना एक जिसको कहना चाहिए उसको, उस श्रेणी में डाल रखा है आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने। और ऐसे ऐसे स्थान हैं जिसकी हमें जानकारी पहले नहीं थी, लेकिन अब जानकारियाँ मिल रही हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर रोहतक जिले का फरवाणा, ये फरवाणा गांव एक ऐतिहासिक गांव है। इसी प्रकार भिवानी जिले का मीताथल, कैथल जिले का बालू, फतेहाबाद जिले का बनावाड़ी, और इससे पहले जितने, यानी रोहतक का जो है कोट, खोखरा कोट, राखीगढ़ी तो हमको ध्यान में है ही है, कुरुक्षेत्र हमको ध्यान में है ही है, बुद्धों के स्थान, ये यमुनानगर जिले में बुद्धों के बहुत स्थान हैं। तो ऐसे 100 से ज़्यादा इन स्थानों को और एक प्रकार से पहचान की गई है, और हरियाणा में इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास हो। केंद्र सरकार ने कहा कि इसके लिए पैसे की कोई कमी नहीं रहेगी, वो उनको पैसा भी उपलब्ध कराएंगे, हरियाणा सरकार भी पैसा लगाएगी, और इस अग्रोहा वाले क्षेत्र स्थल का भी जो आगे खुदाई का काम होगा, विकास होगा, तो एक ज्वाइंट MOU हम करेंगे आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के साथ, हरियाणा सरकार मिलकर काम करेगी। पहले उसमें GPR सर्वेक्षण होगा, और GPR सर्वेक्षण हमने अपने जिम्मे लिया है, क्योंकि खुदाई से पहले GPR सर्वेक्षण करना बहुत ज़रूरी होता है, कि क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण स्थान है, कहीं ऐसा ना हो कि खुदाई करते समय कुछ चीज़ें उसमें खराब भी हो सकती हैं या उसमें टूट फूट सकती हैं। तो GPR सर्वेक्षण के बाद उस लोकेशन का पूरा अंदर भूगर्भ के अंदर पता लग जाएगा, कहाँ क्या चीज़ है, कहाँ नगर बसा है, कहाँ कोई विशेष चीज़ उस समय की कोई अस्तित्व में जो थी आज जो दबी हुई है। तो ऐसा सब हम करेंगे, और एक भव्य एक विरासत स्थल के रूप में इसकी एक स्थापना की शुरुआत जब करने वाले हैं। वहाँ एक म्यूज़ियम भी बनाएंगे, म्यूज़ियम कम इंटरसेप्शन सेंटर, जिस पर बहुत लोग जा कर के उसका अध्ययन भी कर सकेंगे, क्योंकि इतिहास का अध्ययन करने वाले ऐसे बहुत लोग हैं दुनिया में,
जो ऐसी प्राचीन चीजों को आज भी उसका सर्वे करते हैं, उसका रिसर्च करते हैं, अध्ययन करते हैं कि आखिर मानवता, मानव जाति का जो एक क्रम है विकास का, कब शुरू हुआ, कहाँ शुरू हुआ, किस इलाके में, किस जगह पर इसके प्राचीन जो ऐसे मिलते हैं अवशेष, तो उसके लिए स्टडी के नाते, पढ़ाई के नाते भी बहुत से लोग और इसमें चलते हैं। एक और जानकारी मुझे आज ही मिली है जो आपको साझा करना जरूरी है कि उस समय हिसार का नाम था हिसारे फिरोजा, और फिरोजा तुगलक ने एक छोटी बस्ती उस समय बसाई थी, ये 1351-88 के बीच में। आप संयोग ऐसा हुआ कि उसी समय में वहाँ कुछ जो अग्रसेन, ये जो अग्रवाहा धाम था, वहाँ पर कुछ भूकंप आए होंगे, कुछ वहाँ चीज़ें दबी होंगी, कुछ वहाँ चीज़ों को शायद हो सकता है मुगलों के काल में उनको जानबूझ के भी नष्ट किया हो। तो ऐसा भी इतिहास में मिलता है कि भारतीय संस्कृति को कैसे नष्ट किया जाए और नए नाते से, इस नाते से बसाया जाए। तो हिसार की जो छोटी बस्ती उसी समय बसी थी, और उसके बाद धीरे धीरे हिसार थोड़ा सा विकसित ज़्यादा होता गया, अग्रोहा की तरफ ध्यान नहीं दिया, और अग्रोहा लेकिन अब जो है उसी लेवल पर आएगा। और आज तो चूँकि विकास इस नाते से बहुत तीव्र गति से बढ़ रहा है, अब हिसार और अग्रोहा में वैसे भी अंतर बहुत ज़्यादा नहीं है, दूरी तो मात्र 15-16 किलोमीटर वैसे है, अब तो जो आगे फैलाव हिसार का होते होते 15-16 किलोमीटर रह गई है। उस पूरे क्षेत्र को एक अच्छा विकसित एक शहर बनाने की योजना भी आगे चल करके है। हम लोग हरियाणा में विशेष तौर पर जो हमारे ऐतिहासिक स्थल हैं उनका विकास, और जो हमारे संत महापुरुष हैं उनके बारे में भी हमेशा विचार करते रहते हैं। जैसे हमने संत महापुरुषों की एक विशेष योजना बनाई है, संत महापुरुष विचार प्रचार प्रसार योजना, उनके सम्मान के नाते कितने ही संतों को राजकीय स्तर के ऊपर हमने उनकी जयंतियाँ ये सब मनाई हैं। तो एक प्रकार का हरियाणा सरकार का जो इन सालों का जो महत्व, इस बात से भी हम हरियाणा का बढ़ते हुए देख रहे हैं कि हरियाणा कोई आज की भूमि नहीं है, महाभारत से पहले काल में भी हरियाणा का और उल्लेख उस समय आता है, लोग तो कहते हैं वेदों में भी इसका उल्लेख आता है। तो हरियाणा का अपना एक भविष्य, यानी हमारे अतीत जो स्वर्णम अतीत है उसी के ऊपर हमारे भविष्य की नींव खड़ी हो और एक विकसित हरियाणा, एक भाकड़ हरियाणा ये आगे बने, यही बात आप तक आज मैंने पहुंचानी थी। अग्रसेन जी की जीवनी पाठ्यक्रम में शामिल हो गई, महाराजा अग्रसेन जी की जीवनी जैसा बता रहे हैं शिक्षा के पाठ्यक्रम में, बहुत सी जीवनियों के अंश हमने उसमें शामिल किए हैं ताकि हमारी नई पीढ़ी को हमारे महापुरुषों के बारे में जानकारी मिले, और इस प्रकार का हमारी भूमिका आगे बढ़ रही है। तो इस अवसर पर मैंने आपके सामने ये विषय रखना था, जैसे मैंने बताया कि एक वहाँ म्यूजियम भी बनेगा, एक हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस जैसी उसकी है, तो वहाँ एक एजुकेशन सेंटर, फ्यूचर जनरेशन को उनको सबको लाभ पहुँचे, ये सब हम काम करेंगे। धन्यवाद। ऐसा है कि ऑर्थोडॉक्सिज्म जो है ये हमारे सरकार के पाठ्यक्रम में नहीं है। बहुत लोगों ने कहा था पिछले 5 वर्ष पहले जब मैं मुख्यमंत्री था कि कोई आदमी अगर बिलासपुर कपालमोचन चला जाएगा तो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेगा। मैं वहाँ गया, बहुत लोग कहते थे कि मधुबन में अगर हेलीकॉप्टर उतरेगा तो अगली बार मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। मैं वहाँ 2 बार गया। तो ये जो रूढ़िवादिता है इससे दूर हट करके काम करना है। इतिहास के अपने पन्ने हैं, उन इतिहास के पन्नों में कोई डिनाई नहीं कर सकता कि महाराजा अग्रसेन की राजधानी नहीं थी, वो महाराजा अग्रसेन की राजधानी थी। और आज भी जैसे टीले वहाँ हैं, उन टीलों में जो खुदाई पीछे हुई तो उसमें सिक्के मिले थे और उन सिक्कों के ऊपर बहुत कुछ लिखा हुआ, शब्द लिखे हुए उस समय के। तो ये जो इतिहास है ये अपने आप ही बोलता है, इतिहास को कोई नकार नहीं सकता। किसी समय विशेष पर इतिहास को छुपा करके तो रखा जा सकता है, लेकिन इतिहास कभी छुपता नहीं, कभी ना कभी अपने आप उभर करके आता है। मैंने बताया कि GPR का जो सर्वेक्षण है वो तो हरियाणा सरकार करेगी। GPR के सर्वेक्षण के बाद एक निश्चितता हो जाएगी कि इसके अंदर खोदने से क्या मिलेगा, क्या नहीं मिलेगा, क्या उसका महत्व होगा। उसके बाद फिर हमारा जो ज्वाइंट MOU होगा आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया से और हरियाणा सरकार से,
उसके बाद ज्वाइंट करेंगे जैसे राखी गढ़ी कर रहे हैं। राखी गढ़ी में भी अभी जो खर्च हो रहा है वो आधा सेंटर करता है आधा हम लोग करते हैं उसी स्तर पर ही। हाँ, क्यों मैडम आई हैं जो राखी गढ़ी स्तर पर ही किया। हाँ, राखी गढ़ी में हम क्या रेशो है हमारा खर्चे का? हाँ कर ली है हमने पैसा देने की, 23 करोड़ रुपए की हमने डिमांड कर रखी है। हमने भी वहाँ एक म्यूजियम बनाना शुरू किया है, खुदाई सब हो रही है, टेक्निकल सपोर्ट किया है, लेकिन 500 करोड़ रुपया भारतवर्ष के बजट में इन कामों के लिए रखा गया है कि जो इस प्रकार के ऐतिहासिक महत्व के स्थान होंगे उनको विकसित करने की दृष्टि से इस वर्ष का बजट 500 करोड़ रुपया रखा हुआ है। हम भी उसमें 23 करोड़ रुपया वाका ले रहे हैं। यहाँ जब सर्वे हो जाएगा उसके बाद फिर उसकी डिमांड करेंगे। अभी आज पत्र आया है, आज तो खुशी का दिन है, आज आपको जानकारी दी है, कल फिर बैठेंगे देखेंगे कब करना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, सरकार की पुरातत्व को लेकर बनाई गई योजनाओं पर बातचीत करते नजर आए, साथ ही साथ उन्होंने देखिए मंदिर में दर्शन किए, माता मनसा देवी के दर्शन किए, पूजा अर्चना की, इस पर भी वो बातचीत करते नजर आए हैं कि किस तरह से जो हरियाणा के मंदिर हैं पुरातत्व विभाग कैसे उन पर भी अब फोकस कर रहा है। सीएम मनोहर लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने साधु संतों को सम्मान दिया है, सरकार धार्मिक स्थलों का विकास कर रही है। और आपको बता दें कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं इस वक्त ज्ञानचंद गुप्ता इनके साथ मौजूद हैं, कमल गुप्ता इनके साथ मौजूद हैं और असीम गोयल हैं अम्बाला विधायक, ये भी इस मौके पर मौजूद हैं। माता मनसा देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए पहुंचे सीएम मनोहर लाल, दर्शन किए, पूजा अर्चना की और उसके बाद प्रेस से मुखातिब हुए, सरकार की योजनाओं पर बातचीत करते नजर आए सीएम मनोहर लाल। सीएम मनोहर लाल ने बताया कि हरियाणा सरकार मंदिरों का विकास कर रही है।